हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट। मैं हूं नवल, आप देख रहे हैं नवरित गेमिंग। यह है माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज का एपिसोड 80। आज बहुत टाइम बाद, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है कि मैंने कोई बिल्ड नहीं किया, तो आज हम लोग एक बिल्ड करने वाले हैं बहुत बड़ा। यहाँ पे वो होने वाला है हमारा ये डैम, जो आप लोगों ने देखा होगा पहले ब्रिज बनाया था मैंने। तो जब मैंने ब्रिज बनाया था उसके बाद से मेरे को आइडिया आया था कि यार यहाँ पर मैं कुछ कर सकता हूँ, और मैंने बहुत कुछ सोचा था। मतलब पहले तो इसका आइडिया आया था, फिर मैंने सोचा कि यार इसको छोड़ के इसमें कुछ और हम लोग बाद में करेंगे। मैं एक काम करता हूँ, मतलब मेरे को ना हमेशा से, मतलब हमारा जो विलेज है वहाँ पे एक चीज़ की कमी है, वो है हमारे विलेज के आसपास कहीं पर आपको नदी नहीं दिखेगी। तो नदी कहीं पर भी नहीं यार, तो उसके लिए मैं सोचा था कि यार मैं कस्टम नदी बनाऊँगा। बट अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ पर बनाया, क्योंकि हमारा जो विलेज है, आप लोग देख रहे होंगे विलेज में टोटल 5-6 घर हैं, मैंने बहुत बड़े बना दिए, उसको भी ट्रांसफॉर्म करना है। उससे पहले आज ये जो पूरा का हमारा ब्रिज है इसको हम लोग डैम में कन्वर्ट करेंगे। एक और मेरा आइडिया था जो मैं करने वाला था, मैंने उसको ट्राई करके देखा था वो, बट सही हुआ नहीं। वो ये था कि यार मैं सोच रहा था ना कि इस वाले या इस वाले पहाड़ में कहीं पर मैं एक बकेट बनाऊँ, बहुत बड़ी, बहुत एकदम जायंट बकेट बनाऊँ, और उसमें से पानी गिर रहा होगा और नीचे गिर के वो मतलब पानी ऐसे आ रहा होगा। तो वो ट्राई किया था, खराब लग रहा था। मतलब मैंने ऐसी एक न्यू वर्ल्ड में बना के देखा था, नहीं अच्छा लग रहा था। फिर मैंने लिटा के देखा बकेट को, तब भी अच्छा लग रहा था। तो फिर मैं चाह रहा आज हम लोग ये वाला ट्राई करते हैं, और अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने रख ली है, और बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, बट बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में चीज़ें चाहिए। बाकी मैंने स्टोन अपने रखे हुए हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्मेल्ट करने के लिए। जो वो वाला स्मेल्टिंग रूम है वो अभी मतलब कंप्लीट हुआ नहीं है, उसमें मेरे को बहुत कुछ करना है, तो इसलिए मैं अभी फ़िलहाल यहीं पे स्मेल्ट कर रहा हूँ इनको। और मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टोन तोड़ के भी रखे हुए हैं, तो शायद अभी स्मेल्ट हो गए होंगे। अभी मेरे को बीच में शायद आना पड़ सकता है इनको दोबारा से तोड़ने, तो कोई नहीं, मैं आ जाऊँगा उसको। फ़िलहाल हम लोग ये करते हैं। वैसे कॉबल स्टोन भी मेरे को चाहिए, बट अभी के लिए तो यार मेरे को लगता है कि ये काम करना है हमको। ओके, तो ये वाला काम हो चुका है। बाकी ये जो विलेज है हमारा, ये बहुत जल्द कन्वर्ट इसको मेरे को करना है। तो इसके बाद शायद हम लोग देखेंगे कि इसमें और क्या कर सकते हैं। मतलब मेरा प्लान है माइंड, मेरे को पता है कि मुझे किस तरीके के घर बनाने, कैसे करना है, तो वो हम लोग करेंगे। उससे पहले आज हमारा पहले ये वाला चीज़ ट्रांसफॉर्म होना है। और ये शायद मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ का डाउट है। देखो मेरा ना यहाँ पर कितना सारा आयरन गोलम है यार, बहुत ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम ही आ रही थी कि यार एक तो मेरा ये चीज़ यहाँ पर बन गया, और ये इतना प्यारा लगता है कि यार इसको हटा नहीं सकता मैं। बहुत मेहनत लगी थी इसको बनाने में, तो यार इसको यहाँ से हटाना तो मतलब मुश्किल ही है। इसमें कुछ है क्या? तो ये मैं हटा नहीं सकता। और दूसरा, यहाँ पे ब्रिज ऑलरेडी मैंने बना लिया था, मतलब जब मैंने ब्रिज बनाया था इसको मैं दूर भी बना सकता था या फिर अलग तरीके से बना, तब मेरे पास ये डैम का कोई आइडिया था नहीं। तो अब जाके आइडिया आया, तो यार अब मेरे को उसके हिसाब, देखो कितना अलग सा छाँव सी लग रही है यहाँ पे, तो मेरे को उसके हिसाब से यहाँ पे काम करना है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मिलने में, क्योंकि समझ में पहले अगर मेरे को पता होता कि यार मेरे को ये करना है तो मैं उस तरीके से काम करता यहाँ पर, बट अभी अलग ही मेरे को तरीके से काम करना पड़ेगा। फिलहाल हमको जाना है ऊपर। तो अभी हमको क्या करना है कि यार प्लान ये है कि सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है, ये तीन पिलर है, इन तीन पिलर को हमको, मतलब इसको डैम वाला लुक देना है, तो मुझे यहाँ से ऊपर जाके स्टेयर लगा के लेके आनी है। तो मैं वो काम करता हूँ पहले, और तीन पिलर मेरे को कंप्लीट करने हैं, उसके बाद से हम लोग मक्के का काम करेंगे। ओके, तो ये वाला मैंने थोड़ा बहुत इसमें ऑलरेडी काम किया हुआ है, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये पिलर वगैरह पहले से बने हुए थे, बस मैंने बीच में स्मूथ स्टोन फिल कर दिया, ताकि मेरे को, क्योंकि रिपीटेड प्रोसेस था, मेरे को फिल करना ही करना था। तो ये काम मैंने पहले से करके रख लिया, ताकि मेरे को बार बार परेशानी ना हो इसको करने में। तो अब जाके हमको यहाँ से ना स्टेयर्स लगानी है। तो अभी काम स्टार्ट ही किया था, पहली रात चलेगी। इसके जो पीछे वाला पार्ट है उसमें भी मैं एक नदी सी बनाने वाला हूँ, बट प्रॉब्लम यही थी कि यार वो आप लोग जो देख रहे होंगे वो गहरा पार्ट हो गया, मतलब ऐसा कोई नदी वाला सिस्टम बन नहीं रहा था। मैंने इतना फिल किया हुआ है, मेरे को और फिल करना है इसको, इसको मैं बनाऊँगा। पहले हम लोग आज जो पिलर वाला काम है वो निपटाते हैं। तो जो पहला वाला पिलर मैं बना रहा हूँ ना, इसमें मेरे को लग रहा है कि ज़्यादा टाइम लगेगा मेरे को, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि पिलर कहाँ तक एक्सटेंड होगा, और मेरे को ऊपर से नीचे की तरफ को बनाना है। अगर नीचे से ऊपर की तरफ को बनाना होता तो शायद इतना टाइम लगता नहीं इसमें, बट मैं अब एक काम करने वाला हूँ, क्योंकि वैसे ना टफ पड़ रहा है, तो मैं एक काम करने वाला हूँ, मैं पहले ब्लॉक रख के उसकी स्टेयर बना रहा हूँ, उसके बाद से उसके ऊपर दूसरे वाले स्टेयर रखूँगा, और फिर मेरे को पूरा पिलर फिल करना है। तो काम थोड़ा सा अटपटा सा है, बट यही तरीका है इसको बनाने का, क्योंकि ये पार्ट दिखेगा नहीं, तो मैं इसमें कुछ भी कर सकता हूँ। मैं कॉबल स्टोन भी भर सकता था, बट कोई नहीं, अभी मेरे पास कॉबल स्टोन नहीं है, मतलब इतना कुछ टाइम लगने वाला है नहीं इसमें। तो पहला पिलर हमारा कंप्लीट हो चुका है, और ऐसा कुछ मैं इसको बना रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन 1, 2, 3, हाँ ठीक है, इतना एरिया बच जाएगा जहाँ पर हम लोग आराम से रह सकते हैं। अभी मेरे को इसमें बहुत सारा कस्टमाइजेशन करना है, बट अभी क्या करना है कि यार अभी मैं पहले पिलर कंप्लीट कर रहा हूँ, उसके बाद से बाकी काम करने वाला हूँ। तो पहला पिलर हमारा कंप्लीट हो चुका है, एक बार हम लोग नीचे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि नीचे से कैसा लग रहा है। ये है, और इसमें एक और चीज़ मेरे को करनी है कि वो है यहाँ पर
थोड़ा सा मेरे को ये चीज़ आगे की तरफ को बढ़ानी है, मतलब ये वाला मैं शायद इतना बढ़ रहा है। देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। प्रॉब्लम ये आ रही है कि यार इसके आगे बहुत सारी जगह होनी चाहिए थी, बट जगह है नहीं मेरे पास अभी, इसलिए मेरे को थोड़ा सा ना ध्यान में रख के बनाना पड़ रहा है। देखूंगा अगर जब मैं विलेज ट्रांसफॉर्म करूंगा तो शायद विलेज को अगर मैं इधर उधर कहीं बनाऊंगा, मतलब आसपास ही बनाऊंगा, बट थोड़ा सा दूर रहेगा तो शायद उसकी वजह से ना थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। मतलब ये थोड़ा सा एरिया मैं उसके बराबर बढ़ा दूंगा तो तब यह ज़्यादा बेटर लगेगा, वरना अजीब थोड़ा सा लगेगा। फिलहाल एक हमारा पिलर बन चुका है, बन के रेडी हो चुका है, बाकी दो और पिलर मेरे को बनाना है, ये और ये। इनमें ज़्यादा टाइम लगेगा ना क्योंकि मैं इसको नीचे से स्टार्ट करूंगा, मेरे को पता है कि यार यहाँ से मुझे स्टार्ट करना है, तो ये इस वाले से ब्लॉक से मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूँ और यहाँ कहीं पे आएगा तो बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए ये वाला काम। तो ये वाला मैं नीचे से बनाना स्टार्ट कर रहा था, मेरे लिए ना बहुत आसान सा हो जा रहा है। बस यहाँ पर थोड़ा बहुत चीज़ें बची हुई है जो मेरे को अभी बंद करना है, नहीं ये अलग चीज़ है, वॉल है शायद वो, हाँ वो वॉल है उधर की जो मेरे को इसके साथ नज़र आ रही। तो ये काम मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, दो हमारे पिलर कंप्लीट बन जाएंगे, उसके बाद बाकी कुछ और काम बचा, मतलब मेरे को स्टेयर्स को अच्छा करना है और बीच वाला पार्ट बनेगा, यहाँ पे भी कुछ बनेगा तो वो भी मेरे को फिक्स करना है। थोड़ा सा ना मेरा ज़्यादा ऊंचा हो गया, बट कोई नहीं, ज़्यादा चीज़ें लगेंगी, लगेगा भी शायद अच्छा लगेगा। तो तीनों टावर मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, मैं आपको एक बार बाहर से दिखाता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर इश्यू हुआ था कि मेजरमेंट चेक करने में कि यार बराबर है, क्योंकि मैंने पहले काउंट नहीं किया था, तो उसके बाद से मेरे को ये स्कैफोल्डिंग लगा के चेक करना पड़ा था कि ये एक डायरेक्शन में है नहीं है, एक जगह के कर रहा था तो इतना आ रहा था और वहाँ से फिर मेरे को ऐसे चेक करके करना पड़ा था। तो अभी पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, एक बार हम लोग इसको नीचे जाके देख लेंगे कि कैसा हो रहा है। फिलहाल ये देखो ये पिलर है, अभी ना बहुत ज़्यादा दूर से हम लोग देख नहीं पाएंगे कि कैसे लग रहे हैं, बट ये बहुत अच्छा लगने वाला है। अभी मेरे को ना बीच वाला जो पार्ट है वो करना है, डिटेलिंग तो अभी बहुत है बट वो मैं बाद में करूँगा क्योंकि मैं पहले स्ट्रक्चर कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, उसके बाद हम लोग बाकी काम करेंगे। तो यहाँ पर अगर ये पूरा या तो यहाँ से पहाड़ स्टार्ट होते हो गए होते तो ये बहुत अच्छा लगता, बट अभी है जैसा वैसी मजबूरी है वैसी बनाना, तो यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा ये पार्ट फिल करना है। ये मैं खैर ये तो मैं तब फिल कर लूँगा जब मेरे को यहाँ पर डिटेलिंग करूँगा। अब मेरे को बीच वाला पार्ट बनाना है, तो उसके देखो ये कहाँ जा रहा है, उसके लिए मुझे यहाँ पे ना मेरे को देखना पड़ेगा कि कितनी हाइट में मैं गेट सा बनाऊंगा, वहाँ से पानी बहते हुए नीचे आएगा, तो वो वाला पार्ट मेरे को कंप्लीट करना है। और उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि यार मटेरियल में कौन सा लूँ, मैं सैंड स्टोन ले लूँ उसके लिए या फिर कुछ और ले लूँ, सोच रहा हूँ सैंड स्टोन यूज़ कर लूँ, वो ज़्यादा बेटर लगेगा। फिलहाल मेरे पास जो कॉबल स्टोन है उनको लगाता हूँ स्मेल्ट करना, मैंने यहाँ पर भी लगा हुआ है क्योंकि वहाँ पर जो है ऑलरेडी, ये शायद यहाँ पर ख़त्म हो गया, इसका भी ख़त्म हो गया, कोल भी ख़त्म हो गया, शायद कोल इधर होगा। तो अभी तक तो यार सब कुछ सही लग रहा है, अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे शायद थोड़ा सा कोल होगा, मैं इसको एक स्मेल्ट करने लगा देता हूँ, ये है, कोई नहीं इसका फोल्डिंग काम आ जाएगी, बाकी इसी से स्मेल्ट करने लगा देता हूँ उसको। ये ना पता नहीं यार बस बराबर है ना शायद, हाँ बराबर है। अभी मेरे को इसमें वॉल बनानी है, बहुत सारा और काम मुझे करना है, तो अभी इनको लगाते हैं स्मेल्ट करना है यहाँ पे। अब जाके मेरे को लेना है सैंड स्टोन, और सैंड स्टोन मुझे को ज़्यादा लेना है, सोच रहा हूँ ज़्यादा ले लूँ। तो सैंड स्टोन के सबसे पहले तो मुझे बनाने हैं स्टेयर्स, और बाकी जो सैंड स्टोन बचा हुआ है उससे मैं इस कट सैंड स्टोन ये वाले बना लेता हूँ, ये शायद मेरे काम आएंगे कहीं पर, तो ये वाले मैंने बना लिए। बाकी कुछ और देखने के क्या मैं कर सकता हूँ, अभी मेरे को थोड़ा सा जो पिलर वाला पार्ट है ना उसको फिक्स करना है, फिक्स क्या उसको फिक्स बाद में करूंगा यार, पहले मेरे को ना ये वाला पार्ट मुझे लगता है कि कर लेना चाहिए, बीच वाला मिडिल वाला। तो ये वो जगह होगी जहाँ से पानी आएगा और पानी बहेगा वहाँ से, तो ये वाले मुझे करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग चढ़ते हैं ऊपर, ओके। तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि यार ये 10 ब्लॉक मैंने तोड़े हुए हैं, इनको मैं तोड़ के, मतलब इनको तोड़ के मैं पहले तो इसको रिप्लेस करता हूँ मैं किसी और ब्लॉक से, ठीक है, क्योंकि ये एक हिसाब से कह सकते हैं कि यार डिटेल वाला काम भी कर रहा हूँ। बाकी मेरे को ये गेट बनाना है जहाँ से पानी वानी बाहर को निकलता है, वो वाला पार्ट मेरे को कंप्लीट करना है। तो थोड़ा सा डाउट में हूँ कि यार सैंड स्टोन सही लगेगा, बट अब मैं वही मेरे पास इकट्ठा कर रखा है, मैंने क्वार्ट्ज भी कर सकता था बट मेरे पास क्वार्ट्ज इतना सारा है नहीं यार, क्वार्ट्ज किसी और काम के लिए कर सकता हूँ। बाकी आयरन भी कर सकता हूँ, वो भी अच्छा लगेगा क्योंकि आयरन वाला चीज़ यहाँ पर सही लग सकता है, बट अभी फिलहाल मैं यही करने वाला हूँ। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेटर लगेगा सैंड स्टोन, क्योंकि जो स्टेयर मैंने लगाई है उस पर भी मैं सैंड स्टोन का कुछ कॉम्बिनेशन करने वाला हूँ। और अभी इनको पहले हटा लेते हैं यहाँ से, सैंड स्टोन स्मूथ वाला मैं ये रखने वाला हूँ। तो अभी मैं ये सोच रहा हूँ यार कि पहले ना मैं ये वाला काम कंप्लीट कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मैं पहले अगर कर लेता हूँ तो मेरे नहीं यहाँ पर मुझे ये शायद नहीं, चलो कोई नहीं यही लगा लेते हैं, बाद में देख लूँगा रिप्लेस करना होगा कुछ कुछ चीज़ें, अभी यहाँ मत जा।
तो ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हाँ आ रहा है, इसको करते हुए जाके जाऊँगा तो मेरे को ना बार बार ऊपर चढ़ना नहीं पड़ेगा, मैं बहुत आसानी से काम कर पाऊँगा, इसलिए मैं ये वाला काम अभी कर रहा हूँ। और ये वो जगह होगी जहाँ पर हमारा पानी फ्लो करते हुए आएगा एकदम लहराते हुए बहुत सही तरीके से। तो इसको भी कर लेता हूँ मैं स्टार्ट, ठीक है। मैं जैसा मैं एक बनाऊंगा ना, मेरे को सारे शायद वैसे ही बनाने पड़ेंगे, तभी अच्छा लगेगा। मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कुछ पानी बहते हुए आएगा, 7 ब्लॉक नहीं, ये ज़्यादा ऊंचा हो गया यार, मेरे को थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। मतलब मैं कहीं पर स्टेयर लगा रहा हूँ, कहीं पर ये लगा रहा हूँ, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन सही लगेगा। बाकी मतलब मेरे को ध्यान देना होगा कि पानी बहते हुए नीचे आए, मतलब 7 ब्लॉक से कम ही मेरे को रखने पड़ेंगे। वैसे तो नहीं आएगा पानी बहते हुए तो आएगा, तो पहले ये वाला काम कंप्लीट कर लेता हूँ। बीच वाला ना पूरा मेरे को लग रहा है लाइट, मेरे को तोड़ के बीच में इसमें लाइट लगानी पड़ेगी, वरना इसमें पूरे मतलब ज़ॉम्बी वगैरह स्पॉन होने लग जाएंगे और सही नहीं है। मतलब सिर्फ इसलिए सही नहीं है क्योंकि मेरे आसपास जो फार्म होंगे शायद वो अच्छे तरीके से काम ना करें, इसके लिए मुझे पूरा लाइट इसको लगानी पड़ेंगे बाद में। और ये अभी देखो गया, ये मेरे को लग रहा है दबेगा यहाँ अंदर ही, पूरा दब जाएगा क्योंकि ये आ नहीं रहा यहाँ पे बाहर, गया ना नीचे, देखो गया, अब आ नहीं सकता नीचे कहीं से भी। मैं क्या करूँ इसका यार, बाहर से कहीं से गेट करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ है ये पानी बहते हुए, अभी मेरे को कुछ समझ, देखो ये कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है ये लोग, मेरे को समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो फाइनली डिसाइड कर लिया कि ऐसा कुछ ही होगा हमारा पानी बहने वाला, और मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ डेमो कि कैसा ये होने वाला। अगर मैं यहाँ से पानी डालता हूँ, नहीं, एक सेकंड, यहाँ से अगर मैं पानी डालूंगा तो पानी जाएगा डायरेक्ट नीचे। मैं एक बार इनको बंद कर देता हूँ, तो यहाँ से अगर मैं डालता हूँ तो डायरेक्ट वो पानी नीचे जाएगा और ऐसा लगेगा कि जैसे, अब पता नहीं कहाँ तक जा रहा, हाँ जा रहा पूरा, तो प्रॉपर यहाँ तक जाएगा और यहाँ पूरी नदी सी आएगी। तो ये मेरा प्लान है करने का इसको, तो हम लोग ऐसे ही करने वाले हैं। फिलहाल मैं ये एक वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। ओके, तो एक साइड की वॉल मेरी कंप्लीट हो चुकी है और ये कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ से। बाकी मैं देखता हूँ, अगर मेरे पास क्वार्ट्ज हैं, मेरे पास शायद होंगे क्वार्ट्ज, तो क्वार्ट्ज में सोच रहा हूँ कि इसके बाहर से इसके साथ क्वार्ट्ज सही लगेगा, क्योंकि इसके साथ मेरे को वॉल से कुछ बनानी है और वो मेरे पास मतलब सैंडस्टोन के साथ में कुछ और कलर होना चाहिए। तो मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, वरना मैं वाइट कलर का वुड भी लगा सकता हूँ, वो भी सही लगेगा। तो देखते हैं कि पहले क्या चीज़ है मेरे पास। तो क्वार्ट्ज मेरे पास नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि यार वाइट तो ऑलरेडी है, उसके साथ में अगर मैं ब्लैक स्टोन लगा दूँ, जो कि मैं कहीं पर भी यूज़ नहीं किया मैंने उसका उतना ज़्यादा कुछ खास, अगर मैं आज उसको यूज़ करता हूँ तो शायद वो बहुत अच्छा लग सकता है। मेरे को देखना होगा कि कैसा लग रहा है, वरना मैं कुछ और इसको चेंज करूँगा बाद में, बट अभी मेरे को ठीक ठाक लग रहा है यार। मतलब ज़्यादा कुछ चीज़ें ना, मैं मतलब जब एक बार बन जाता प्रॉपर, उसके बाद समझ में आता कि यार इसके साथ ये चीज़ करना चाहिए था, मतलब इसके इन दोनों का कॉम्बिनेशन सही लगता, बट ठीक लग रहा है मेरे को। देखो उसके बाहर से मेरे को कुछ लाइन मतलब ऐसा कुछ डोर सा बनाना, उसके बाद से पानी भरना है। अभी मतलब बहुत सारा काम बचा हुआ है यार, और एक बार फिर से रात हो गई। अभी मेरे को सेम ऐसा ही दूसरी जगह भी बनाना है, सेम तो नहीं बना सकता, मतलब थोड़ा बहुत चेंज करके इसी टाइप का, क्योंकि ये हाँ क्या सेम बना के फ़ायदा नहीं है, सेम पता भी नहीं चलेगा वैसे भी। तो ये मेरा बन गया, उसके बाद से मैं एक बार देखने वाला हूँ कि कैसा ये कॉम्बिनेशन लगने वाला है। मेरे पास ब्रिक भी हैं और देखो इसके अंदर कोई ना कोई स्पॉन हो चुका है, क्योंकि आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा। ओके, तो प्लान ऐसा कुछ है कि यार ये लगेंगे यहाँ पे ऐसा करके कुछ, ठीक है। तो अब पता नहीं लगेगा कैसे, बट मुझे लगता है कि ये सही लगेगा। एक बार पहला वाला कंप्लीट कर लेता हूँ। आयरन गुलम सारे नीचे आ गए क्योंकि उनको आवाज़ आ रही, तो वो लोग ना मारने के लिए समझ मतलब कन्फ्यूज हो गए कि कहाँ से आवाज़ आ रही। बस फटाफट ना जाए अभी के लिए, मेरे को बाद में इसको मैं कर दूंगा इसको फिक्स। मेरे को लाइट वाइट लगानी पड़ेगी, उसके बाद से शायद फिक्स हो जाएगा। मतलब फिर तो कोई, या मैं पानी भी डाल सकता हूँ ऊपर से, मतलब देखूंगा क्या करना चाहिए। और ये मैंने एक गेट सा बना रखा है, मैं देखूंगा इसको अगर मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ। वैसे ऊपर से रेलवे स्टेशन तो है, मतलब रेलवे ट्रैक तो है, यहाँ पर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अभी मेरे को इधर उधर जाना पड़ेगा, उसके लिए मैंने बना के रखा हुआ है। तो ये हमारा एक ऐसा बन गया, अभी मेरे को दूसरा बनाना पड़ेगा। उससे पहले हम लोग एक बार जाके मैं देख लेता हूँ कि कैसा लग रहा है, ठीक है। ये ऐसा बनेगा और इनके बीच से पानी आएगा, तो ऐसा कुछ है प्लान, पता नहीं कैसा लगेगा बट प्लान तो ऐसा ही है। तो एक बार देखता हूँ कि यहाँ से कैसा, देखो सही लग रहा है वैसे, वाइट और ब्लैक के साथ में ना, वाइट तो नहीं है मतलब येलो कलर का जो है उसके साथ सही लग रहा है, मुझे लगता है कि सही है। थोड़ा बहुत और मैं इसमें कुछ चीज़ें कर सकता हूँ। अब मेरे को ये वाला पार्ट बनाना है, बट मैंने ना यहाँ पे कुछ ऐसा रखा नहीं कि कैसे करना है। मैंने एक स्टेयर रखी, उसके बाद से दो ब्लॉक रखे, फिर एक स्टेयर रखी, दो ब्लॉक रखे, ठीक है एक स्टेयर दो ब्लॉक, ठीक है ऐसे ही मैं करता हूँ। ओके, यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक मेरे को अभी जाके समझ में आ गई है, वो है कि ये
ये मेरे को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहिए था। मतलब ये ऐसा कुछ जिसका स्ट्रक्चर था, पता नहीं क्यों, पता भी नहीं चल रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सेम है, मतलब बराबर बनाए हुए हैं, बट ये चीज़ ख़राब है। यहाँ पे इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ ऊपर तक, मतलब पहले पता चल गया ना, अगर पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर मेरे को थोड़ा सा मुश्किल होती है, मतलब समझ में नहीं आता कि अब कैसे करना है। तो अभी तो मैं इसको कंप्लीट कर सकता हूँ, तो ये चीज़ मेरे को पहले ही पता चल गया, वरना ना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता था अगर मैं इसको एक बार कंप्लीट कर लेता। टाइम मतलब ज़्यादा लग जाता है इसको दोबारा से फिक्स करने में, अभी मेरे को पता चल गया। लेकिन अब देखो इसके हाइट अब जाके बराबर होगी, अभी नहीं, देखो यहाँ से ना पता नहीं चल पा रहा, बट शायद इसकी हाइट एक मेरे को नीचे करनी पड़ेगी, और ये लग नहीं रहा यहाँ पे स्टेयर। तो ऐसा कुछ बनना था, मैंने थोड़ा सा इसको अलग बना दिया था, और ये यहाँ से ऐसे आएंगे, ठीक है। तो अभी जाके ये चीज़ फिक्स हो गई है, पहले पता चल गया, मतलब अगर नहीं चलता तो फिर ये चीज़ में प्रॉब्लम हो जाती। तो ये वाला पार्ट इतना कंप्लीट हो चुका है, अब मेरे को नीचे वाला पार्ट करना है। तो बहुत कुछ ना ज़्यादा रह नहीं गया अब जाके मेरे को, मतलब ये तो दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वाला, यहाँ का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए। ये तो खैर यहाँ पर कम है, बट वहाँ पर मुझे लग रहा है कि यार वहाँ पर अगर मैं नेचुरल सा पहाड़ टाइप का बना दूँ तो सही रहेगा, वरना वो अजीब दिख रहा है थोड़ा सा। तो ऐसा कुछ होगा, यहाँ वाले में भी थोड़ा सा ना मिस्टेक हो सकते हैं, मतलब मेरे को इन दोनों को भी देखना है कि ये दोनों बराबर लगने के नहीं लग रहे हैं। तो बाकी पानी वाला मैं अभी देख रहा हूँ, अभी मेरे को पानी वाला काम में बहुत टाइम लगने वाला है, तो पहले ये फटाफट से निपटा लेते हैं। जैसे हमारा उस वाले में विलेजर फंस गया था ना, एक शायद आयरन गोलम भी फंसा था, या पता नहीं, हाँ विलेजर फंसा हुआ था। यहाँ पर मेरे को लग रहा है ये फंसेगा, ये तो कुछ बन नहीं सकता, बट ऐसे ही रहेगा यहाँ पर अभी। वहाँ पर मेरे को पक्का पता है कि बहुत सारे स्केलेटन वगैरह आ गए, उनकी आवाज़ बहुत आ रही वहाँ से, मैं लेकिन खोलना नहीं है तो बपना बंद रहते हैं, आवाज़ बहुत आ रही, लेकिन इनको मेरे को करना है पहले। तो ये वाला पार्ट भी मैंने कंप्लीट कर लिया था, और मुझे यहाँ पे इसके लिए भी स्टोन चाहिए, वो मैं बना रहा हूँ फटाफट से यहाँ पे, ये वाले, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया था, मुझे लग रहा है कि ये वाला भी शायद कंप्लीट हो गया, अगर ये दोनों एकदम बराबर होंगे, मतलब अगर दोनों मैंने सेम बनाए तो वहाँ पे मेरे को इसका डोर दिख जाएगा, मतलब वहाँ पे अगर मैं वहाँ से तोड़ता हूँ तो यहाँ पे इसको चेक करना थोड़ा सा ईजी है, उतना टफ नहीं है, बस मेरे को यहाँ से ये चीज़ चेक करनी कि ये बराबर है नहीं बराबर, इस इन दोनों को तोड़ देता हूँ और पता चल जाएगा। नहीं देखो कुछ गड़बड़ा, और इसके नीचे देखना, नहीं 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 ऐसे नहीं चेक होगा, ये मुझे लग रहा है कि मेरे को पूरा रास्ता यहाँ पे बनाना पड़ेगा, तब जाके मैं चेक कर सकता हूँ, इसी की सीध में होना चाहिए वहाँ पे। ओके सही है, चलो ये चीज़ तो सही है, एकदम सही बनी हुई है, इसको हटा लेते हैं। तो हमारा जो इसके बाद, अगर मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद ब्रिज वाला पूरा काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद मुझे सिर्फ जो काम करना है वो करना है डिटेलिंग पे, और एक बार मुझे काम करना है थोड़ा सा पानी पे, जो मेरे को पानी वाला पार्ट फिक्स करना है, मुझे पानी रखना है यहाँ पर, मतलब मैं चाहता हूँ कि पानी रहे यहाँ पर इस जगह में, उसके पीछे भी रहे। तो पीछे वाला पार्ट अगर मैं आज नहीं भी कर पाया, मैं उसको बाद में कर सकता हूँ, बट आगे वाला तो मेरे को कंप्लीट करना है। थोड़ी सी नदी सी बना सकता हूँ, और यही इसी नदी को शायद मैं बाद में, मुझे लग रहा है कि मैं अगर अपने विलेज में लेके जाऊँ कंटिन्यू करके, तो वो मैं काम कर सकता हूँ। फिलहाल ये कंप्लीट करते हैं। तो स्ट्रक्चर वाला काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। पहले मैंने जो प्लान मैं स्टार्टिंग से बता रहा था वो दो का था, मतलब तीन प्लेयर बनेंगे और दो जगह ये बनेगा, बट फिर मैंने देखा यार यहाँ वाला जो पार्ट है ना वो इतना पतला भी नहीं, मतलब चौड़ा है ही, वो शायद एक दो ब्लॉक की कमी है, वरना एक और प्लेयर आ जाता, तो यार वो ना बहुत ख़राब लग रहा था। उसको सही करने के लिए मेरे को एक और यहाँ पर बनाना पड़ा, और वो मैंने ऐसे ही रहन दिया, नेचुरल सा लगने लगे कि हाँ, मतलब एकदम कॉर्नर से बनाया। यहाँ वाले अगर मैं इसको छोड़ भी दूँ तो शायद ही उतना ख़राब नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मतलब इतना ढका हुआ है पूरा है। अगर मैं बनाऊँ तो ज़्यादा, अगर मैं जितना इसको चौड़ा बनाता ना उतना ज़्यादा प्यारा लगता, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यार अधूरा सा छूटा हुआ, बट इसको मैं अभी नहीं कर सकता, क्योंकि ये यहाँ पर अगर ये पिलर आएगा तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आ जाएंगी और ये पूरा ढक जाएगा, मतलब अगर मैं ऐसा बनाऊँगा तो यहाँ तक वो पूरा आएगा और ये ढक जाएगा, और ये मैं ढकना नहीं चाहता, बहुत प्यारा लगता है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ ऐसी। मैं ये काम कर सकता हूँ कि यार यहाँ तक नेचुरल जो माइनक्राफ्ट की टेरेन है उसको बना के ऐसा लगेगा यार ब्रिज यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो मैं ये कर सकता हूँ बाद में, बट अभी मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर दिखाता हूँ कि कैसा लग रहा है। ये देखो हमारा स्ट्रक्चर ऐसा कुछ लग रहा है, अभी तो इसमें बहुत सारा काम बाकी है। तो ये है, अभी मेरे को इसमें वाटर बकेट से काम करना है, प्लस मेरे को यहाँ पे स्टेयर्स कंप्लीट करनी, तो वो मैं पहले करना स्टार्ट करता हूँ स्टेयर्स का। मैंने कुछ ऐसा सोचा हुआ है कि यार मैं ना सोच रहा हूँ कि बीच वाला जो पार्ट है उसको तोड़ के मैं वहाँ पे स्टेयर्स लगा दूँ ये वाली, तो वो बहुत सही लगने वाला है। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। जैसे ये है ये वाला पार्ट,
ऐसे ऐसे तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो शायद मेरे को लग रहा है कि ये बहुत अच्छा दिखने वाला है। एक मैं करके देखता हूं, एक पहले फाइनल लुक डिसाइड करता हूं कि कैसा क्या करना है मेरे को, कहां पे क्या चीज़ लगाना है, उसके बाद से हम लोग उसको करेंगे। और जो बाकी डिटेलिंग वाला पार्ट है मैं सोच रहा हूं कि यार वो ना देखता हूं उसको, मगर नहीं कर सकता आज तो नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। क्योंकि वो जो डिटेलिंग मैं बता रहा हूं वो ये है कि जैसे मैं इसको पूरा, अभी मैंने पूरा ब्रिक स्टोन का बना रखा है, बट अगर आप सोचो कि ये ऐसा होगा कि कहीं पर कॉबल स्टोन होगा, कहीं पर स्मूथ स्टोन होगा, कहीं पर कुछ और होगा, तो बहुत ज़्यादा जैसा हमारा वो बना हुआ था यहाँ पर ये वाला पार्ट इस टाइप से कुछ, तो बहुत सही लगता है। तो देखते हैं कि टाइम कितना होता है, मतलब कितना टाइम लगता है। तो मुझे लग रहा है कि शायद मुझे ना ऐसे करके रखना चाहिए, ये बहुत सही लग रहा है इस टाइप से स्टेयर्स को, तो ये मैं ऐसा रखने वाला हूँ। बट उसके अलावा मुझे यहाँ पर वॉल बनानी, वॉल के लिए मैं ब्लैक स्टोन भी लेके आया हूँ, कुछ और स्टोन भी लेके आया हूँ, देखता हूँ कि कौन सही लग रहा है। नहीं शायद ब्लैक स्टोन यहाँ पर जमेगा नहीं, क्योंकि ब्लैक स्टोन का मुझे लग रहा है कि जितना काम था नीचे वही वाला सही लगेगा। यहाँ पर मैं इसकी की वॉल रखूँगा तो ज़्यादा बेटर लगेगा ऐसे करके। और यहाँ पर आ जाएंगे टॉर्चेज वगैरह जो मैं रखूँगा बाद में, ये वाले इनको मैं रखूँगा बाद में। तो पहले हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, स्टेयर वाला पार्ट सारा काम निपट चुका है। अब जाके जो काम है वो बचा हुआ है एक कस्टम नदी बनाने का जहाँ पर पानी रहेगा, तो वही मैं कर रहा हूँ अभी। और यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि मैंने शायद कोई केव कभी बंद करी थी तो वो आज खुल गई है। यहाँ पर केव है शायद कोई, बस यार यही थोड़ी सी कमी रह गई इसमें कि यार ये जो पार्ट है ना आगे ज़्यादा बड़ी पार्ट नहीं। अगर यहाँ से नदी कंटिन्यू आगे जा रही होती या यहाँ पे ज़्यादा जगह होती तो बहुत सही लगता, बट कोई नहीं, ये शायद नेचुरल सा कुछ बन गया होगा। और हमारे विलेजर देखो कहाँ घूम रहा है, ये बंदा कहाँ घूम रहा है, इतने सारे आयरन गोलम अभी सब पानी में बहने वाले, मेरे को मारने पड़ेंगे सारे क्योंकि ये बहुत, इसकी वजह से लुक बहुत ख़राब आ रहा है इनकी वजह से। मैं बस ऐसे ही कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा ना एक नेचुरल सा लगे, पता नहीं हो भी नहीं पा रहा है। तो सारा काम निपट चुका है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है काम हमारा, 90% कह सकते हो कि ख़त्म हो चुका है। अब जाके मुझे ना पानी भरना है, जो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, मतलब मुझे आगे भी भरना है पीछे भी भरना, मतलब देखो डैम का तो मतलब यही है कि यार पीछे पानी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, उसके बाद से आगे पानी थोड़ी सी नदी होती। तो अब ऐसा पीछे वाला पार्ट तो अभी मैं शायद नहीं कर पाऊँगा क्योंकि बहुत लंबा टाइम लग गया मेरे को इसको कंप्लीट करने में। तो पहले मैं नदी बनाता हूँ, उसके बाद से मैं ऊपर से पानी का फ्लो करूँगा, ठीक है, उसके बाद मैं फिर देखता हूँ कि क्या होता है। बस ये काम कर जाए, मुझे नहीं पता कि ये काम करेगा नहीं करेगा, इसमें सिल्क टच तो नहीं, ओके कर रहा है कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरे लिए काम आसान कर देगा, शायद मैं सब किनारे किनारे लगाऊंगा तो काम हो जाएगा मेरा मुझे लगता है, या फिर मुझे हाँ मेरा हो जाएगा शायद काम। और इतने सारे यहाँ पर आयरन गोलम मेरे को ना एक बार बोल आके मारना पड़ेगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन इसमें स्पॉन करा रखा मैंने और समन कर रखा और कौन इसमें वैसे ही स्पॉन हो रखा है, क्योंकि अगर ये मार देंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। मैं एक काम करता हूँ यार, ये वाला पानी तो मैं करूँगा बाद में, मैं सोच रहा हूँ कि अभी मेरे पास जो ब्लॉक्स है ना उनका फ़ायदा मैं उठा सकता हूँ यहाँ पे अकेले, ठीक है यहाँ के लिए। तो यहाँ हम लोग चढ़ते हैं यहाँ पे, वैसे प्लान तो था कि ऊपर से पानी बहेगा बट ऊपर वाला पता नहीं सही लगेगा नहीं लगेगा अभी, इसीलिए डाउट है उस पर। ये है ठीक है, एक बार इसको हम लोग कंप्लीट करके देखेंगे। मतलब ये है कि यहाँ से पूरे पानी के ब्लॉक हैं, अभी तो मैं इसको फेक बना रहा हूँ, बाद में अगर मैं पीछे पानी पूरा भर देता हूँ जो कि बहुत लंबा प्रोसेस है, तो ये पानी यहाँ से आने लग जाएगा जो कि बहुत सही लगेगा। और बस ये पानी फैल जाए पूरे, मतलब बीच में गैप ना आए, मैं वो नहीं चाह रहा कि गैप आए। देखो कुछ टूट भी गया मेरे को लग रहा है यहाँ पे, हाँ सैंड स्टोन का ब्लॉक, ओके तो फिल तो हो चुका है। देखो पानी जा तो रहा है, मतलब जितना जा रहा है पूरा जा रहा है, शायद नदी आधी तो इसी से भर जाएगी, बट अब मुझे ना क्या करना है कि मुझे ये वाले पार्ट भी भरने हैं क्योंकि यहाँ पे शायद ब्लॉक है उसकी वजह से पानी जा नहीं रहा यहाँ से, ये भरने की ज़रूरत नहीं थी मुझे, इसको हटा देता हूँ। ओके तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है और मैं इसी के साथ बाहर आ रहा हूँ, बस कहीं पर गैप ना रहे वो ख़राब लगेगा दिखने में। इसके बाद इसको देखते हैं कि कैसा लग रहा है, देखो बहुत सही लग रहा है ना, मतलब बहुत सही लग रहा है। इसमें अभी लाइटिंग वगैरह मेरे को करनी है, लाइटिंग तो करूँगा, देखो जो मैं डिटेलिंग वाला का पार्ट था वो अभी आज नहीं करूँगा, उसमें लग जाएगा बहुत टाइम। और अभी मुझे ये वाला पार्ट कंप्लीट करना है यहाँ वाला, इसके नीचे बहुत सारे मॉब स्पॉन हो रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा, आइस क्यूब से बहुत जल्दी हो गया, वरना मेरे को पानी भरने में बहुत टाइम लगता। मैं सोच रहा हूँ जो पीछे वाला पार्ट है ना उसके लिए भी मैं यही कर सकता हूँ, मतलब आइस क्यूब आइस ब्लॉक्स रख के उनको तोड़ के, तो मेरा जो नदी है बहुत जल्दी बन जाएगी।
पीछे भी, क्योंकि मेरे को पीछे भी ऐसी नदी बनानी है ताकि लगे हाँ प्रॉपर डैम जैसा, फिर जाके मैं अच्छे से इसका लुक दिखा सकता हूँ। वैसे भर चुका यार, बस अंधेरा बहुत हो रहा है, तो मुझे ना लाइट का कुछ करना पड़ेगा वरना अजीब दिखेगा थोड़ा बहुत। ये हमारी नदी हो चुकी है, मैं सोच रहा हूँ बीच वाले पार्ट में थोड़ा सा मैं गहरा घर कर दूँ, तो डैम हमारा बहुत सही लग रहा है। अच्छा मेरे को एक और काम इसमें करना था, वो मैं करने वाला हूँ अभी, मेरे पास ब्लॉक नहीं है। ओके तो मैं पहले ही भूल गया था, मेरे को फटाफट से ना जैसे आप लोग देख रहे होंगे सैंडस्टोन लगा रखा है, वो सैंडस्टोन मैं इस वाले पार्ट में लगाने वाला हूँ ताकि ये भी थोड़ा सा बाहर और अच्छा दिखे। और उसके बाद से लाइटिंग करने हैं, दो काम निपटाने हैं फटाफट से, फिर आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक में। तो फाइनल हमारा जो डैम था, वाटर डैम, वो बन चुका है। बहुत टाइम से सोचा था इसके लिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी तो वो मैं इकट्ठा कर रहा था। देखो क्वांटिटी बहुत सारी चाहिए थी चीज़ों, मैं आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। मैंने लाइटिंग नहीं करी क्योंकि मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा था, लाइट में लेके रखा था मैंने, टॉर्चेस रखे थे, एक बार सोच रहा था कि एंड रॉड लगाऊं, लेकिन कुछ भी कहां पर लगाऊं ये नहीं समझ में आ रहा था। मेरे को लगता है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए ये है कि यार मैं ना यहां पे ऐसे कुछ ब्लॉक वाले जैसे श्रोम लाइट लगा सकता हूं, ग्लोस्टोन लगा सकता हूं, या फिर सी लैंटर्न तो मेरे पास शायद है नहीं, तो ये वाले लाइटर लगा सकता हूं। बट अभी के लिए मैं आपको फाइनल लुक दिखाता हूं, ये है हमारा। सोचो अगर ये पूरा यहां तक फैला होता कितना बड़ा लगता, कितना जबरदस्त लगता, लेकिन वो पूरा वही है कि यार मैं इसको हटा देता, मतलब ये पूरा जो पहाड़ था मैं इसको तोड़ देता, बट बहुत छोटा सा है। बट प्रॉब्लम ये थी कि यार ये जो बीच में मैंने बना दिया ना, उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम आ गई। बाकी जितना मेरे को लग रहा था कि टेंशन कि यार आगे पिलर आ जाएंगे तो पानी के लिए जगह बचेगी नहीं, बट थोड़ा बहुत बच रही है। और देखो नदी में भैंसे नहा रही है हमारी, आयरन गोलम पूरे मजे में है वहाँ पे, वहाँ से खेलने का नाम नहीं ले रहे। तो ये है हमारा। और मेरे को देखो ये एक चीज़ बहुत प्यारी लग रही है, अगर मैंने लास्ट टाइम पे इसको चेंज नहीं किया को होता, जो ये देखो आगे वाला जो सैंड स्टोन है ना, जो मैंने पहले एकदम स्ट्रेट किया था, उसके बाद में इसको अब ऐसा लग रहा सर्कल सा लग रहा, और बहुत प्यारा सा पूरा देखो नीचे बीच में जो अभी मैंने काम किया, सिर्फ ये वाला काम किया जो हमारा पिलर है उसमें बीच में मैंने फिर से सैंडस्टोन लगा दी, जो कि बहुत सही लग रहा है कॉम्बिनेशन दोनों चीज़ों का। और ये है हमारा वाटर डैम। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ी बहुत एक जगह मिस्टेक है, ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा नीचे एक ब्लॉक कम है, बट कोई नहीं उसको मैं फिक्स कर लूँगा, यहाँ से उतना पता नहीं चल रहा। एक और काम मैं करना चाहता हूँ, वो है कि यार इसके पीछे जब हम लोग इतने ऊंचाई से देखें, मैं चाहता हूँ कि पूरा पानी भरे रहे, आपको लगे कि यार हाँ रियल में कोई वाटर डैम है। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, मैं आइस ब्लॉक इकट्ठे करके उससे करने वाला हूँ, तो वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। उसके बाद से ये हमारा जो वाटर डैम है पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अभी इसके पीछे कुछ नहीं है, तो पीछे भी नदी आएगी इसके, वो मुझे करना है बाद में। और क्लोज से लुक ये है, यहाँ से देखने में थोड़ा सा अंधेरा लग रहा है, वैसे अभी अंधेरा होने भी वाला है, बट यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा लग रहा है। बट यही है हमारा आज का वाटर डैम। आई होप कि आप सभी लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू।